दोस्तों आज आपके लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर आया हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों यदि आप इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना चालू कर देते हैं आज से ही, तो मान के चलिए आप 20 दिन में इस स्ट्रेटजी को कंप्लीट कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन 99% होगा। दोस्तों इस जो वीडियो है, इस वीडियो को मैंने आज दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने स्कोर करना होगा, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाना होंगे, लड़कों के लिए कितने लाना होंगे और लड़कियों के लिए कितने लाना होंगे। दोस्तों यदि आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप 99% मान के चलिए आपका सिलेक्शन होगा, और यदि नहीं होगा दोस्तों एक बार मुझे कॉल कर लीजिएगा 9111705039 पर, और बने रहिए दोस्तों मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। और दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दोस्तों देख लेते हैं इसके हम क्वेश्चन, अब हमने क्या इसकी स्ट्रेटजी है और कैसे मैंने इसको बनाया हुआ है। तो दोस्तों देखिएगा, पहला आप ये ब्लॉक देख रहे हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ है इधर पे स्ट्रांग। स्ट्रांग मतलब जो लड़के पढ़ने में, लड़के और लड़कियां पढ़ने में अच्छे हैं, और इधर लिखा है वीक, यानी जो लड़के लड़कियां पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं, यानी वो अच्छे नहीं हैं बट ठीक है, मतलब एक एवरेज है उसका इसमें मैं बताऊँगा। दोस्तों पहले हमने यहाँ बात कर लें आपके सब्जेक्ट की, तो दोस्तों जो आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट आपका हिंदी होगा, सामान्य ज्ञान होगा, रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, यानी हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और सामान्य ज्ञान, ये आपके चार सब्जेक्ट होंगे। इस चार सब्जेक्ट में हम पहले बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की, कि दोस्तों आप हिंदी में यदि लड़के हैं और आप अच्छी कैटेगरी में आते हैं, इसमें स्ट्रांग हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप नॉर्मल्स मान के चलिए कि आप इधर पर 30 मार्क्स का करना जरूरी है। यदि आप 30 नंबर का कर लेते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि आप अच्छे इसमें स्कोर कर सकते हैं। और लड़कियों की बात करेंगे दोस्तों फीमेल की, तो फीमेल भी इधर पे 30 मार्क्स कर सकती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लड़कियां और रहती हैं जो हिंदी में उनकी एक स्ट्रांगता अच्छी होती है और अपनी हिंदी लैंग्वेज पर भी पकड़ उनकी अच्छी मजबूत होती है। तो दोस्तों इसमें लड़के और लड़कियों को स्कोर करना 30-30 इक्वल होगा। अब बात करेंगे हम इधर पर रीजनिंग की। दोस्तों रीजनिंग में भी कुछ लड़के अच्छे होते हैं जिनको नॉर्मल मान के चलिए कि इधर पर आपको 35 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लड़कियाँ इसमें 35 नंबर नहीं ला पाती हैं, क्योंकि कुछ लड़कियों की रीजनिंग बहुत अच्छी होती है और कुछ लड़कियों रीजनिंग यदि दोस्तों होती है तो बहुत ही वीक हो पाती है। तो दोस्तों लड़कियां कम से कम 35 में से इधर पे मान के लिए 30 स्कोर करना जरूरी है। यदि अच्छी लड़कियां और वो पढ़ती लिखती हैं तो यदि वो 30 नंबर स्कोर करती हैं तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। अब बात करेंगे दोस्तों मैथ्स की, तो मैथ्स की भी वही सेम कंडीशन है, बिल्कुल मैंने रीजनिंग और मैथ्स को सेम डिवाइड किया है कि लड़कों के लिए 35 की जरूरत होगी और लड़की के लिए 30 नंबर की जरूरत होगी। अब बात करेंगे दोस्तों हम सामान्य हिंदी की, तो सॉरी सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में आप नॉर्मल देखो सभी लोग पढ़ते हैं और सभी को नॉलेज रहता है, तो आप ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं इसमें भैया आउट ऑफ कब सिलेबस से पूछ लिया, जैसा पूछ लिया, इन सभी को लेकर यदि मैंने कहा कि आप यदि इसमें 25 नंबर लड़के कवर करते हैं और 20 नंबर इसमें लड़कियां कवर करती हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों अब हम यदि इनका टोटल देखें इन मार्क्स का कि हमने कितने क्वेश्चन हल किए, दोस्तों लड़कियों ने देखिएगा इसका टोटल करेंगे तो 0, 3, 6, 9, 10, 11 यानी लड़कियों ने टोटल इधर पे 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अब लड़कों का स्कोर करेंगे तो 5, 10, 15 यानी 5, 3, 6, 9 और 11 और 1, 12, तो लड़कों ने इधर पे कितने क्वेश्चन किए दोस्तों, कितना आपको किया टोटल देखिएगा कि 5, 10, 15, 15 की 5 हाथ किया 1, तो 3, 3, 6, 3, 3, 9 और 3, 4, 12 यानी 125 क्वेश्चन लड़कों ने सॉल्व किए और 110 क्वेश्चन लड़कियों ने सॉल्व किए। अब दोस्तों इसके मार्क्स की बात कर लेंगे, अब आप इसका परसेंटेज कैसे पता करेंगे कि हमने कितने नंबर लाए, तो 125 में आप 1.87 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1.87 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोस्तों जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल एक राउंड फिगर आ जाएगा। दोस्तों इसका राउंड फिगर यदि आप देखोगे तो आपको जैसे कि आपने यदि अनुमान लगा लिया कि हमने यदि 125 क्वेश्चन किए हैं और 125 क्वेश्चन में यदि आप मल्टीप्लाई दोस्तों करते हैं 1.87 का करते हैं तो एवरेज में आप मान के चलिए दोस्तों आप 233 यानी 230 या 233 एवरेज आप अपने मार्क्स लेके आ रहे हैं। दोस्तों एवरेज में आपने 233 मार्क्स लेके आए। इसी प्रकार लड़कियों ने यदि इधर पे 110 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, 110 में यदि 1.87
87 का मल्टीप्लाई करते हैं तो लड़कियों ने इधर पे हमारे लिए 205 नंबर लेकर आई हैं। दोस्तों ये 205 लड़कियां गर्ल्स के लिए हो जाएगा और 233 नंबर इधर पे लड़के लेके आ रहे हैं। ये स्ट्रेटजी आपको बनाना है जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो थोड़े से कमज़ोर हैं पढ़ने में, उनके लिए दोस्तों स्ट्रेटजी ऐसी है कि हिंदी में वो आराम से 30 नंबर ला सकते हैं। हिंदी में 30 नंबर लाने में कोई बुराई नहीं है, हिंदी सभी के लिए इक्वल है क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हम अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं और शुरुआत से पढ़ते भी आए हैं। अब बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दोस्तों यदि लड़के, देखिए अगर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि रीजनिंग को आप प्रैक्टिस करते हो तो रीजनिंग में हम दोनों भी 35-35 ला सकते हैं। यदि दोनों 35-35 लाएँ, अब बात यहाँ पर मैथ्स की करती है तो मैथ्स में थोड़ा सा परेशानी है, यदि मैथ्स में थोड़ी सी परेशानी है तो लड़के हमारे लिए मैथ्स में माना कि यदि 30 नंबर लेकर आते हैं दोस्तों और लड़कियां 30 नहीं लेके आ सकती हैं, हम मान लेते हैं दोस्तों कि कम से कम यदि 20 नंबर भी, यदि 20 क्वेश्चन भी हल करती हैं तो आसान है, कोई बुराई नहीं है। अब बात करेंगे यदि हम सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान भी सेम है दोस्तों, हम आसानी से ला सकते हैं, लड़के भी इधर पर 25 नंबर ला सकते हैं और जो लड़कियां यदि कमज़ोर है तो वो नॉर्मल सी बात है कि सामान्य ज्ञान को अच्छे से पढ़ेंगी तो वो 25 नंबर ला सकती हैं। अब इनका टोटल देखेंगे दोस्तों, यदि हम इनका टोटल देख लें तो इनका टोटल देखिए कैसे होगा, 5 5 10 10 का 0 कैरी, 1 3 3 6 और 6 4 10 और 11, यानी लड़कों ने इधर पर 110 क्वेश्चन किए हैं। लड़कों ने इधर पे आपको कितने क्वेश्चन किए हैं, 110 क्वेश्चन किए हैं और लड़कियों ने 5 5 10 10 का 0 कैरी है, 1 3 3 3 6 3 3 9 10 और 11 और 1 12, यानी लड़कों ने इधर पे 120 क्वेश्चन किए हैं और लड़की ने इधर पे 110 क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों इधर पे जो साइन है इधर पे मेल, ये मेल का और ये फीमेल का, वो मिस्टेक ऐसा होगा, ठीक है। तो दोस्तों इधर पे आपने 120 क्वेश्चन और इधर पे आपने 110 क्वेश्चन किए हैं, तो आप इसको भी वही सेम कर सकते हैं, 1.87 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.87 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप इधर पे अपने नंबर फाइंड आउट कर सकते हो कि 120 × 1.87 का मल्टीप्लाई करोगे यानी आपने कितने क्वेश्चन इधर पे कितने नंबर किए दोस्तों, 120 × 1.87 यानी आपने 224 नंबर स्कोर किया है। 224 नंबर ये छात्रों ने, मतलब लड़कों ने स्कोर किया है और लड़कियों ने दोस्तों 110 का मल्टीप्लाई करोगे आप 1.87 में, तो आप इधर पे लड़कियां स्कोर करती हैं 205 यानी एवरेज 206। तो दोस्तों आपने देखिएगा ये स्ट्रेटजी मैंने ऐसी बताई है कि आप इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। आप यदि देखते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है तो मान के चलिए दोस्तों 99% आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप किसी एक सब्जेक्ट के पीछे लगे रहोगे तो आपका सिलेक्शन होना तय नहीं है, इसलिए आप इस स्ट्रेटजी को फॉलोअप कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है दोस्तों। और चलिए दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा।